Hello guys, this is your host Rahul from Visa Pacific Consultants. Yeah. So, hi brother, you are working at the Adams Corner. Yeah. So, how do you like the place? Very nice. Very nice. It's been how long since you have been working? 1 year plus. 1 year? More than 1 year. And what is your salary here at the corner? My salary is 3100. 3100? Yes, pass holder. Oh, you are an S pass holder. So, do you get salary on time here at the restaurant? And what is the procedure for people who want to come on S-Pass? What is the procedure of that? My OTP are you doing here? Oh, you have done your studies here. Then first I study here, then I OTP, then my boss applied my pass. Okay, then your boss gave you the pass. Now you are earning $3,100. And visa basically S-Pass is for how many, what is the duration? A normal agent fees. Normal? Normal agent fees. Okay. Application fee. No, I am saying what is the duration of S-Pass? Means 1 year or 2 years? Duration 2 years. 2 years. Okay. Not 2 years, then after extend 3 years. Then another 3 years of extension. Yeah. Do you think people should come to Singapore and they should study here or they should directly come here for work? What do you think? Because the place are very nice. The people also very nice. That's why so many people like the place. Yeah, so many. It's a very big corner. Yeah. So, all right. So, thank you so much, brother. Okay. Thank you for talking with us. So, see, he is working at the Adams Corner in Singapore. He was saying that, S-Pass is the best pass and he got the S-Pass when he came down to Singapore on student's visa. So, guys, ये एक information आपके लिए थी कि आपको पता चले कि स्टूडेंट्स वीज़ा के बाद डिप्लोमा वगैरह करने के बाद S-Pass मिलता है. डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लेते हैं, आप वो क्या कैसे करते हैं. तो आप कभी भी ये मत सोचिए आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं मिल सकता. काम करने वाले को हर कुछ मिलता है. नाउ ही इज़ वर्किंग एट द एडम्स कॉर्नर. मैं आपको दिखाता भी हूँ. एंड बहुत ही अच्छा सी फूड रेस्टोरेंट है. ये लोग काम करते हैं एंड इन्हें यहाँ पे ऐसे तरीके से पासेस मिलते हैं. सो गाइस, ये ही मोटिव होता है आप लोगों को यहाँ पे लेके आने का कि आपको दिखाया जाए. एंड ये देखिए, इस तरह पे ये कॉर्नर है, इस तरह पे लोग यहाँ पे काम करते हैं. ये देखिए, तो ये सारे जने यहाँ पे काम करने आए हुए हैं S-Pass वगैरह पे. तो आप भी आइए, आप भी देखिए. स्टूडेंट्स वीज़ा कोई ख़राब वीज़ा नहीं है, अच्छा होता है अगर आप आते हैं तो. यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों की रिक्वायरमेंट होती है और मोस्टली इंडिया से काफ़ी लोग यहाँ पे काम करते हैं. इनके शेफ्स वगैरह भी इंडियंस हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं. नॉर्मली स्टूडेंट्स वीज़ा पे ये लोग आए हुए हैं एंड यहाँ पे देखिए ये काम चल रहा है. ये सारे इंडियन लोग हैं. तो आप देखिए कि कैसे आप आ सकते हैं, क्या काम आप यहाँ पे कर सकते हैं. गाइस, वीज़ा मिलता है लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. सारे काम होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के. ये देखिए, सारे लोग सारे काम करते हैं तभी आगे वो बढ़ पाते हैं. गाइस, सर्विंग का काम होता है, डिश वॉशिंग का होता है, क्लीनिंग का होता है, तभी तो ज़िंदगी में आपको कुछ मिलेगा यार. तो आपको बस बताने का ये था कि नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव मत सोचिए, लेकिन आगे अपने फ्यूचर को देखिए कि भाई मेरा फ्यूचर कैसा हो सकता है सिंगापुर में. यहाँ से आप कहाँ बढ़ सकते हैं. $3100, मतलब आप ये सोच लो इंडियन मनी में 200,000 रुपये कमाता है ये बंदा, ये लड़का. एंड उसके अलावा इन लोगों को अकोमोडेशन, खाना, रहना सब कुछ कंपनी देती है. आपको भी ऐसा कुछ मिल जाता है तो आपकी भी लाइफ बन जाती है. गाइस, मेरा मतलब आपको बस इंटरव्यू करने का ये होता है, लोगों को आपको बताने को कि भाई कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए, कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा और मेहनत करने वाले की हमेशा जीत होती है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अ चैनल. हैव अ वेरी नाइस डे एंड आप ज़रूर सिंगापुर आइए, अप्लाई कीजिए, अपना आगे फ्यूचर देखिए सिंगापुर में. सो अगर आपको मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +6565, कंट्री कोड है 8540-7054. तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आपको कोई भी क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं सिंगापुर के बारे में. एंड कुछ भी है आप मेरे को बताइए एंड वी विल श्योरली हेल्प यू आउट. अभी मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मैं खुद जॉब करता हूँ एंड मे ट्रैवल्स की जो कंपनी है मैं उसका दिखाऊंगा. उस कंपनी की वजह से मैं बहुत बाहर आता जाता रहता हूँ. मैंने भी सिंगापुर में आया था, कई साल पहले मैं सिंगापुर में आया था तो मेरे को परमिट मिला था. उसके बाद मैं यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ इन लोगों के साथ.
एंड लोगों को बुलाते हैं, स्टूडेंट्स वीज़ा पे बुलाते हैं, वर्क परमिट पे बुलाते हैं। आप भी आइए एंड सिंगापुर में मेहनत करिए, काम करिए गाइस। सो यही है सिंगापुर, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड हैव अ वेरी नाइस डे गाइस। बाय बाय।